बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और बस मैं अभी अपना टेस्ट वगैरह करवाने आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और छोटे छोटे मेरे ब्लॉग्स जो हैं आप लोग के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं बना पा रही। ये हमारे चूज़े हैं और बच्चे जो हैं, अब ये कबूतर ले लिए हैं, इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है चूज़ों और कबूतरों ने, हमारी गैलरी तो हाल ही बुरा हुआ हुआ है। रोज़ सफाई करनी पड़ती है, धोनी पड़ती है। और ये बच्चे जो है ना, उनके साथ लगे रहते हैं और अपना भी ख्याल नहीं है इनको, बस गर्मी हो रही है, कुछ हो रही है, बस उनके साथ लगे हुए हैं, खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और ये क्या अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे से कबूतर हैं ये। और आप लोग अगर मेरा चैनल आप लोग कोई न्यू वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा, इनको देखे, दोनों को ना इतनी गर्मी लग रही थी, इनको नहाना था, पानी का इनका रखा हुआ था जो बाउल, उसी में बैठ गए और खूब अच्छी तरह इन्होंने अपने आप को नहलाया और फिर उड़ निकल के और ड्राई किया अपने आप को, इनको बड़ा मज़ा आया। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो बच्चे जो हैं अपने लिए चीज़ लेके आए थे तो उसकी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मैं जब टेस्ट करवाने गई थी तो वहाँ से ग्रॉसरी के लिए भी चली गई थी साथ ही, ताकि मैंने कहा सामान भी हम लोग ले लें ईद का। आपको पता अभी दार ये ईद के लिए तो मसाले चाहिए होते हैं। और ये फजर का टाइम है, फजर के बाद का, थोड़ी थोड़ी जब रोशनी शुरू होती है, क्योंकि हमारे वहाँ पूरे रात लाइट नहीं थी। अल्लाह, इतना परेशान हुई हूँ, गर्मी अलग और मेरी तबीयत सही नहीं। और फिर मैंने कहा चलो मैं अपने पौधों को ज़रा नहला लूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में हो रहे थे। उनको पानी तो देते हैं लेकिन ना ऊपर से लीव जो होते हैं उनके मिट्टी में हो गए थे गंदे, तो फिर मैंने उसमें अच्छी तरह से उसमें पानी से उसको वॉश किया